हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल क्रिकेट 22 गेम के शॉर्ट मैप के बारे में बताऊंगा। और यह शॉर्ट मैप सिर्फ रेडिकल बैट्समैन के लिए है, जिसका यूज आप फास्ट बॉलर के खिलाफ कर सकते हो। अगर आपको यह शॉर्ट मैप अच्छा लगेगा तो मैं आपको स्पिन बॉलिंग के खिलाफ का शॉर्ट मैप भी बता दूंगा। तो गाइज, रेडिकल बैट्समैन का शॉर्ट मैप कुछ इस तरह का है। और इस शॉर्ट मैप को आसानी से समझने के लिए हर एक डायरेक्शन को एक नंबर दे दिया है। तो डायरेक्शन 1 के लिए लेफ्ट को सिलेक्ट करके फ्रंट फुट के लिए 51 शॉट, बैक फुट के लिए 154 शॉट और एडवांस के लिए 461 शॉट सेलेक्ट करना है। डायरेक्शन नंबर 2 में फ्रंट फुट के लिए 303 शॉट, बैक फुट के लिए 456 शॉट और एडवांस के लिए 349 शॉट को सिलेक्ट करना है। थर्ड डायरेक्शन में फ्रंट फुट के लिए शॉट नंबर 308, बैक फुट के लिए शॉट नंबर 246 और एडवांस के लिए शॉट नंबर 384 सेलेक्ट करना है। इस डायरेक्शन के लिए फ्रंट फुट में शॉट नंबर 160, बैक फुट के लिए शॉट नंबर 313 और एडवांस के लिए शॉट नंबर 172 को सिलेक्ट करना है। फिफ्थ डायरेक्शन में फ्रंट फुट के लिए 258, बैक फुट के लिए 378 और एडवांस के लिए 241 शॉट नंबर सेलेक्ट करना है। डायरेक्शन 6 में फ्रंट फुट के लिए 235, बैक फुट के लिए 377 और एडवांस के लिए 330 शॉट सेलेक्ट करना है। डायरेक्शन नंबर 7 में फ्रंट फुट के लिए 483 शॉट नंबर, बैक फुट के लिए 359 शॉट नंबर और एडवांस के लिए 28 शॉट नंबर सेलेक्ट करना है। डायरेक्शन नंबर 8 में फ्रंट फुट के लिए 117 शॉट नंबर, बैक फुट के लिए 214 और एडवांस के लिए 295 शॉट नंबर सेलेक्ट करना है। और डायरेक्शन नंबर 9 में फ्रंट फुट के लिए 134, बैक फुट के लिए 186 और एडवांस के लिए 311 शॉट नंबर सेलेक्ट करना है। और लास्ट डायरेक्शन के लिए फ्रंट फुट के लिए 139, बैक फुट के लिए 179 और एडवांस के लिए 365 शॉट नंबर को सेलेक्ट करना है। और गाइज, आप रेडिकल बैट्समैन के पूरे शॉर्ट मैप के लिए इस कोड का यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।